यस गाइज, हम लोग वो ऑब्वियसली लॉन्च पार्टी के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए आगे के लिए, लेकिन डोंट वरी, दैट वाज ओनली द बट इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। हम लोग नेक्स्ट वाले में देखते हैं क्या करेंगे। बाय द वे, कल मैं निकल रहा हूँ आज रात में 3 बजे, 3:30 बजे कुछ निकल जाऊँगा फॉर हैदराबाद, एंड उसके बाद मैं मिलूँगा सीधा डे आफ्टर टुमारो। यार आज तुम लोग को मालूम है, हम लोग ने जब सैनॉक खेला तो मैंने बोला कि भाई सीधा बूट कैंप, एंड वो पूरा कोशिश करेंगे भाई, ऐसा हमने बोला। लेकिन कोई बात नहीं यार, भाई एक बात बोलता हूँ आप लोग को, ठीक है गाइस, कसम से बोल रहा हूँ। तो ई स्पोर्ट्स का सीन आप लोग को बताता हूँ क्या है, ठीक है। आज जब खेला ना, आज क्या ये 2 दिन जो खेला ना इवेंट मैंने, मैं लिटरली मेरे को ऐसा लगा कि यार ग्राइंड करना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, ग्राइंड तो चलो दूर की बात है, बट ऐसा मन किया कि भाई साला ई स्पोर्ट काश खेल रहा होता, कितना प्रैक्टिस करता, मज़ा आता, पूरा दिन खेलता रहता, प्रैक्टिस करता जो भी है। लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑलरेडी मैं टीम सोल जो बनी हुई है, नहीं यार कमबैक पॉसिबल नहीं है, मतलब आप समझो, बीइंग द ओनर आई डोंट थिंक सो, इट इज़ अ ग्लोबल रूल। आप किसी भी स्पोर्ट्स में देखो भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड का ओनर जाके थोड़ी ना चेल्सी की टीम में खेलेगा, मतलब वो बात हो गई वैसा, मतलब मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। ऑफिशियली नहीं खेल सकता मैं, आई कैन स्टिल प्ले अनऑफिशियल इवेंट्स। अबे क्या पैन फाइट की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए क्या, ऐसे कुछ हुआ है क्या? चैट में सब लिख रहे नॉट क्वालीफाइड, ऐसे तो कुछ करा ही नहीं उसने, तूने गन चलाई क्या? तूने नहीं चलाई ना भाई गन वन, पैन वाले में भी खेल लिए उसने, तो पैन वाले गेम में भी खेल लिया उसने भाई। लोग कह रहे डिस्क्वालीफाइड क्या, अरे क्वालीफाई नहीं हुए लिख रहे हैं पैन फाइट की वजह से, पागल हो गए? अरे सच में लिख रहे, मतलब पैन से थोड़ी पैन फट के पॉइंट्स भी थे पॉइंट्स और क्या पर तो भाई ऑब्वियसली टॉप 3 जो आया होगा अपने ग्रुप में से आया होगा, तो मैच तो बाहर हो जाएंगे नहीं, पर कैसे हो सकता है ये? जस्टिन बहुत बढ़िया खेला, गॉडल ने चिकन मारा तो गॉडल भी बढ़िया खेला।